हेलो एवरीवन, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। आज की वीडियो अगेन बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें कुछ और फीचर्स हम डिस्कस करेंगे। अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू विजिट माय लास्ट वीडियो, उसको देखिए। उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मैंने डिस्कस किए हैं। कुछ और फीचर्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे जीमेल के। बहुत जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला फीचर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ स्केड्यूलिंग सेंडिंग ऑफ मेल। अब सपोज़ मुझे आज से 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कोई मेल भेजना है और मुझे मुझे हो सकता है 3 दिन बाद मैं भूल जाऊँ या फिर मुझे टाइम ना मिले। इस केस में हम क्या कर सकते हैं, स्केड्यूल करके रख सकते हैं, अपने मेल को सेंड करके रख सकते हैं और वो जिस जिस स्पेसिफिक टाइम पे हमने स्केड्यूल किया है वहाँ से वो आराम से उस समय पे भेज दिया जाएगा। उसके लिए व्हाट वी हैव टू डू इज़ क्लिक ऑन कंपोज मेल। सपोज़ मैं अपने आप को मेल भेजने वाली हूँ, शिल्पी सपोज हाय एंड हेयर। सपोज सो इफ आई वॉन्ट टू सेंड डायरेक्टली वी कैन सेंड, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करना है, स्केड्यूल सेंड पे जाना है। यहाँ पे देखिए प्री डिफाइंड टाइमिंग्स रहेंगे, अगर आपने इसमें से कोई क्लिक करना है तो आप उसमें से क्लिक कर सकते हो। अदरवाइज पिक डेट एंड टाइम, यहाँ से जो भी डेट टाइम है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी सपोज इस समय हो रहा है 3:47, मैं आज ही की डेट में इसको कर देती हूँ 3:51। चलो तो इस समय मुझे, मैंने इसको स्केड्यूल कर दिया। यहाँ पे देखेंगे आप सेंड स्केड्यूल फॉर 3:51, इस समय अपने आप वो भेज दिया जाएगा मेल। नाउ द सेकेंड फीचर इस एडिंग सिग्नेचर। इस सिग्नेचर यानी कि जहाँ आप देखेंगे कंपोज किया मैंने, तो यहाँ पे यूजुअली ब्लैंक आता है, ठीक है। ये मैंने सिग्नेचर ऐड किया हुआ है। सिग्नेचर ऐड करना मींस वॉट एवर, जैसे हम लोग लास्ट में लिखते हैं ना रिगार्ड शिल्पी, रिगार्ड्स दिस एंड दैट, तो वो जो चीज़ हमें ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं थ्रू सिग्नेचर। उसके लिए वी हैव टू क्लिक ऑन गियर आइकन। ये देखिए गियर आइकन पर क्लिक किया, ठीक है। सी ऑल सेटिंग्स, इसमें जनरल टैब में स्क्रॉल डाउन करना है। ये जनरल टैब है, इसमें स्क्रॉल डाउन करिए, आप सबसे नीचे आएंगे, ठीक है। अब मेरे पास 2 सिग्नेचर एडिड है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ, डिलीट एंड डिलीट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिग्नेचर को क्रिएट करना है। मैंने पहला सिग्नेचर क्रिएट किया जिसका नाम लिखा है शिल्पी 1। सपोज इसमें मल्टीपल सिग्नेचर्स आप ऐड कर सकते हो, जो भी आप सिलेक्ट करोगे वही सिग्नेचर डिस्प्ले होगा। मैंने ये क्रिएट किया, अब ये तो नाम हो गया सिग्नेचर का, उस पर मैंने कंटेंट क्या लिखना है, रिगार्ड्स सपोज शिल्पी, ओके। ये एक सिग्नेचर ऐड कर लिया। सपोज मेरे को कभी कभी दूसरा सिग्नेचर की भी ज़रूरत पड़े तो मैंने यहाँ पे दूसरा डाल दिया, शिल्पी 2। ये मेरा दूसरा सिग्नेचर ऐड हो गया है। अब इस सिग्नेचर में भी मुझे कंटेंट डालना होगा, क्रिएट किया, अब इसमें कंटेंट क्या होगा। सपोज मैंने डाल दिया लर्निंग हब शिल्पी, अब ये 2 क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हम फिर से नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे, अब मुझे ऐड, अभी तक देखिए सिग्नेचर ऐड नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ क्रिएट किए हैं। तो मुझे जब न्यू मेल क्रिएट, जब मैं इफ़ आई कंपोज अ न्यू मेल, उस केस में व्हाट वी नीड टू डू इज़, यहाँ पे जो भी है न्यू मेल के लिए, सपोज़ मैंने शिल्पी 1 सेलेक्ट किया और फॉरवर्ड के लिए मैंने शिल्पी 2 सिलेक्ट किया, तो अब जितने भी नए मेल कंपोज करूँगी उसमें यहाँ पे शिल्पी 1 यानी कि शिल्पी रिगार्ड शिल्पी सक्सेना लिखा आ जाएगा, और जितने भी रिप्लाई करूँगी उसमें शिल्पी 2 यानी कि लर्निंग हब वाला सिग्नेचर लिखा आ जाएगा, ठीक है। नीचे जाएंगे, सेव करना है, डोंट फॉरगेट टू सेव। सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ओके। क्लिक ऑन सेव चेंजेस। नाउ व्हेन आई कंपोज द मेल यू कैन सी हियर रिगार्ड शिल्पी लिखा हुआ आ गया, ओके। ऑन द अदर हैंड सपोज दिस इज द मेल, आई एम रिप्लाइंग द मेल, ये देखिए लर्निंग हब शिल्पी आ गया। नाउ द थर्ड फीचर इज सर्चिंग द मेल।
सर्चिंग मेल का मैंने पहले भी ऑप्शंस बताए हैं, लेकिन इसमें क्या है, मुझे अगर डेट वाइज सर्च करना है, मीन्स मान लो 10 जुलाई 2022 के पहले के, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर सर्च में, बिफोर एंड देन सिंपली कोलन, उसके बाद जो भी डेट आपको चाहिए, वॉट एवर डेट यू वॉन्ट यू कैन राइट द डेट। सपोज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी 30/6/2022, तो इसके पहले के जितने मेल हैं वो सारे मेल मेरे पास आ जाएंगे। देखिए इसके पहले के मेल आ गए सब, इसके बाद के कोई मेल नहीं आया है, फाइन, 30 जून के पहले के, बिफोर, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे इसके बाद के मेल चाहिए हैं तो वी विल चेंज द कीवर्ड एंड वी विल राइट आफ्टर, आफ्टर एंड देन प्रेस एंटर। नाउ यानी कि आज तक के करेंट मेल जितने भी हैं वो सारे मेरे पास आ गए हैं, फाइन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नेक्स्ट फोर्थ फीचर, फोर्थ फीचर इज सपोज दिस इज द मेल, ओके, आई एम वी विल यूज ट्रांसलेट, मीन्स वी विल चेंज द लैंग्वेज। ये देखिए ये मेरे पास एक मेल आया हुआ है और मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंग्लिश नहीं आती है या मुझे कोई और लैंग्वेज में इसको पढ़ना है, तो वी विल सिंपली क्लिक ऑन दीज थ्री डॉट्स एंड ट्रांसलेट मैसेज एंड हियर वी कैन सी, वी कैन चेंज द लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने हिंदी में कर लिया है, ठीक है, ये वाली जो लैंग्वेज है, अब यहाँ पे कौन सी कोई भी जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे उधर से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंदी सिलेक्ट कर रखा था, यू कैन सी हियर द दिस ट्रांसलेशन विल बी डन, आपको हिंदी में मिल जाएगा ये मेल, पूरा जो भी मेल था जो कुछ भी था एवरीथिंग विल बी ट्रांसलेटेड इन टू हिंदी। नाउ द लास्ट फीचर इज चेंजिंग द अपियरेंस ऑफ योर जी मेल, दैट इज द बैकग्राउंड, यू कैन सी द बैकग्राउंड, ब्यूटिफुल बैकग्राउंड देयर। सो इफ आई वॉन्ट टू चेंज दिस यू हैव टू क्लिक ऑन सेटिंग्स एंड यू कैन सी द थीम हेयर व्यू ऑल, तो जितनी भी प्री डिफाइंड थीम्स हैं वो सब थीम्स आ जाएंगी, ठीक है। इफ़ यू डोंट वॉन्ट दीज थीम्स, बहुत सारी इमेजेस हैं, जितनी भी इमेजेस हैं इसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ़ आई डोंट वॉन्ट दीज इमेजेस यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माई फोटोज़, आपकी फ़ोटोज़ में जितनी भी फ़ोटोज़ इसमें स्टोर्ड होंगी उनमें से कोई भी, सपोज आई एम सिलेक्टिंग माई बैनर, ओके, आई एम सिलेक्टिंग बैनर ऑफ माई क्लास एंड देन सेव इट, तो यू कैन सी एट द बैकग्राउंड मेरा बैनर चेंज हो गया, मीन्स मेरे बैकग्राउंड में जी मेल के बैकग्राउंड में मेरा बैनर आ गया है। सो इन दिस वे वी कैन सेलेक्ट द थीम फॉर योर जी मेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देर आर डिफरेंट मोर फीचर्स विच वी कैन यूज इन जी मेल। I'll come back to you with some other interesting features of Gmail. Till then, stay tuned. Thank you and have a nice day ahead.